previously on Man's or Alive Logs. तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर कर ना कभी तो मुझे नजरों से दूर किते चलिए तू किते चलिए तू किते चलिए जानदा है दिल तू जान दिए तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किते चलिए तू किते चलिए तू किते चलिए हैप्पी न्यू ईयर तेरे निगरानों मैनु खटिया दस मैं कि प्यार विचों खटिया हमने फैसला किया है कि नए साल का आगाज हेल्थी खाने से करेंगे और चटपटे खाने से है अम्मी फिर आपको मतलब गुस्सा आ रहा है हम पे अभी नहीं गुस्सा आप भी सालगिरह नहीं इन्होंने मनाई केक किधर है आपका गिफ्ट किधर है आपके इतनी बना सड़ी केड़े वेदी लगे ने लोग इतनी मेरी सालगिरह मनाना ये तो पीछे के रह गए पूरी दुनिया ने मना सड़ी फिर के भाई तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं जाने जा बैठ मेरे सामने खाली दिल खाली नजर भर लूं जाने जा तू खफा हो जाए रात भी हो जाए दिन तेरे आंचल में छुप जाए ये क्या है ये गाजर का हलवा विद गोलगप्पा ये न्याज आएगा मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जल्दी इसके बाद खीर भी नहीं है फेल नहीं होएगा लड़कियां इसकी दीवानी हो जानी है अभी मैं खा के आपको बताऊंगा जायका कैसा है ना मुंह खोले रूह तक सुकून उतरता चला ट्राई करें सारा करें गोलगप्पों की ना बिस्ती होगी हैप्पी न्यू ईयर आप सबको हम सब की तरफ से आज है पहली जनवरी 2022 तो रात को एक्चुअली ये हुआ कि गोलगप्पे तो खाए हमने उसके बाद हमने आपको नहीं दिखाया लेकिन हम सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक बैठे गप्पे लगा रहे थे गेमें खेल रहे थे इंजॉय कर रहे थे तो बहुत मज़ा आया और बेशक सब थके हुए थे सबको नींद भी आ रही थी लेकिन इसके बावजूद कोई सोने का दिल नहीं जा रहा था किसी का तो बहुत इंजॉय किया हमने और आज अभी हम नाश्ता करेंगे नाश्ते की टेबल पे जा रहे हैं हलवा पूरी जो कि मतलब आपको पता है कि हलवा पूरी किसको नापसंद हो सकती है देसी बनता और हलवा पूरी ना पसंद करता हो ये तो मतलब नामुमकिन में से तो आइए नाश्ते की टेबल पर अम्मी के साथ नाश्ता करते हैं ज़हनसीब तुझे चाहूं बेताशा ज़हनसीब मेरे हबीब तुझे चाहूं बेताशा ज़हनसीब तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है तेरे संग जो ना बीते उस पे ऐतराज है इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है हुआ अमीर दिल गरीब तुझे चाहूं बेताशा ज़हनसीब लेना देना नहीं दुनिया से मेरा बस तुझसे काम है ईशा एक व्लॉग में पहले हलवा पूरी खाने के बाद मैंने क्या कहा था हलवा पूरी खाने के बाद क्या चाहिए होता है जो आपको हमेशा चाहिए होता है क्या चाहिए होता है चाय गर्मा गर्म देसी चाय यारा तेरे मेरे खर्चे में दोनों का ही एक दाम है होना लिखा था यू ही जो हुआ क्या होते होते यू ही
इसके बाद प्लान ये था कि हमने क्रिसमस मार्केट जाना, और मार्केट इसलिए जाना है कि जो बैरगन्स आए हैं वो ओस्लो वाली क्रिसमस मार्केट में नहीं गए, हम जा चुके हैं एक्चुअली। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तैयार होके जाने के लिए, तो सबके इरादे चेंज हो गए। ठीक ठाक किस्म की बर्फ़ पड़ रही थी, तो किसी का भी दिल नहीं चाहा कि इतनी दूर शहर जाया जाए और बर्फ में घूम जाए। लेकिन अब घर से निकल आए हैं तो थोड़ा चक्कर एक तो बनता है ना। दिन में क्या लग रहा हूँ? ग्रैंडपा। ग्रैंडपा? ओह, इस वजह से कह रही है कि इतनी बर्फ मेरे सर पे पड़ी हुई है, तो मैं ग्रैंडपा बन गया हूँ। और अब है वो वक्त, अब है वो टाइम जब अम्मी के लिए केक काटा जाएगा और अम्मी को हैप्पी बर्थडे कहा जाएगा। अम्मी को एक्चुअली नहीं पता, हम उनको कल से ये कह रहे हैं कि मतलब अब हम सोच रहे हैं कि सालगिरह वगैरह ना मनाया करें, इतना मतलब क्या है अम्मी फजूल में ये वो। तो अम्मी कह रहे हैं हाँ ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब मेरी सालगिरह की क्या मनाने की अब ज़रूरत है इस उम्र में वगैरह वगैरह। लेकिन हो सकता है उनको शक हो एक्चुअली, क्योंकि ज़रा वो हर हमारी माँ है। लेकिन फिर भी उनको सरप्राइज़ देने की हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो बस अब तैयार रहें, हम मम्मी को सरप्राइज करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ताना बाना ताना बाना बुनती हवा है, बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ है, साजिश में शामिल सारा जहाँ है, हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है। नंगे पैरों पे अंगारे जलती रही है, जलती रही, लगता है कि गैरों में मैं पलती रही है। पैसे क्यों खर्च करते फिर ओरे पिया। हैप्पी बर्थडे अम्मी जी। कैसा लगा आपको अपने गिफ्ट, कैसे लगे आपको? जी बहुत अच्छे लगे। हाँ बहुत शुक्रिया सब का। आपको पता था कि अभी सालगिरह आपकी मनाई जाएगी? नहीं मैं तो कल मना सड़ी तेरे नाल और के चाहिदा। मैं तो कहे कल होगी साड़ी मां पुत्र दी। नहीं आज आपको पता है ऐसे तरह होना चाहिदा, चोखा नहीं करना चाहिदा। नहीं चोखा को नहीं होया। हाँ आपका शुक्रिया, हमारा क्या शुक्रिया। मेरा की शुक्रिया, आपने हमें पैदा किया, जवान किया, इस काबिल बनाया कि आज हम कमा कर आपको कुछ दे सकें। पाल पोस के बड़ा किया।
बहुत बहुत शुक्रिया तो ये था साल का पहला ब्लॉग। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मोटिवेशन मिलती है, और हम और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखना है, बहुत खुश रहना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और नए साल में पूरी कोशिश करनी है पॉजिटिविटी के साथ इस साल को पिछले साल से बेहतर बनाने की। तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा। झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, चेहरा